हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 7। जी हां दोस्तों, इस क्रैश कोर्स में हम कर रहे हैं घंटों का काम मिनटों में, और पिछले कई वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने अलग अलग IMP आंसर जो इस चैप्टर से आ सकते हैं वो कवर किए। ऐसे ही लगातार आपके लिए क्रैश कोर्स और आसानी से आंसर प्रेजेंट करने के तरीके हम लेकर आते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। तो जरूर जरूर जरूर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम PDFs ऑलरेडी दे चुके हैं नोट्स वगैरह के, IMP क्वेश्चंस के। तो जरूर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ IMP और छोटी बहुत इंफॉर्मेशन, जो थोड़ी बहुत बची हुई इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इंट्रप्रेन्योर से रिलेटेड, वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एंटरप्रेन्योर के बारे में जाना। ये एंटरप्रेन्योर होता है रिस्क टेकर, नेशन बिल्डर, डिसीजन मेकर, बिजनेस करने वाला उद्योगपति, जो रिस्क उठाकर प्रॉफिट कमाने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहता है, अपनी टीम को आगे लेकर जाता है। और इसीलिए से हम फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, ये वह है जो लैंड, लेबर, कैपिटल को जमा करता है, ऑर्गेनाइज करता है और सही तरीके से सही दिशा में आगे लेकर जाता है। दोस्तों, हमने इसके दो डेफिनेशन देखे, जिसमें हमने जाना कि एक हमारे हॉवर्ड स्टीवेंसन ने कहा कि इट इज एन परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल, यानी मौके पे चौका मारना है और जो है रिसोर्सेस लिमिटेड हमारे पास, उनका पर्याप्त इस्तेमाल करना है विदाउट वेस्टिंग देम। साथ ही साथ वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to risk loss in order to make money, यानी पैसे कमाने के लिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार है ना, उसी को हम कहते हैं दोस्तों एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, इसके अलावा हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग भी जाना। ये एक ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटी है जो एक एंटरप्रेन्योर से उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे से करेगा। क्यों? ताकि वो प्रॉफिट एग्रेंडाइज कर सके, यानी बढ़ा सके, ऐसे कामों को वो अंजाम दे जहां पर प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, काय का इकोनॉमिक गुड्स का, जिनकी जरूरत लोगों को हो, इसी को हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उसी के डेवलपमेंट से रिलेटेड पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग बातें जानी। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये इंट्राप्रेन्योर्स के लिए है। जी हाँ, इंट्राप्रेन्योर्स का मीनिंग और उसी का कंटेंट आज हम जानने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें आप इंट्राप्रेन्योर्स से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट अगर एग्जाम में आया तो लिख पाएंगे। दोस्तों, इंट्राप्रेन्योर होते क्या है? ये एक बड़ी सी कंपनी के एक महत्वपूर्ण एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन इनका मादा, इनकी स्टाइल, इनका एटीट्यूड जो होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि ये बड़ी सी कंपनी और उसके सभी मालिक जो हैं इनको फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, और ये अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ एकदम बिंदास बढ़ चढ़कर अपने आइडिया को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक कंपनी में रहते हुए अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय who has the authority and support of his company employer to implement his own innovative and creative ideas. यानी full support है, company को भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति में एक अलग सा ही एक potential है, इसमें एक अलग सी काबिलियत है, और इसीलिए इसे थोड़ा सा freedom देना चाहिए, इसे नए ideas के ऊपर experiment करने का, implementation करने का मौका देना चाहिए। His idea or product may or may not earn immediate revenue, हो सकता है तुरंत पैसा ना मिले company को इसके idea से, लेकिन still the employee keeps receiving his salary, उसे अपनी पगार मिलती रहती है, और बोलते हैं उसको नहीं तू ट्राई कर, तू बहुत अच्छे से कर सकता है, और तुझमें वो क्षमता, तुझमें वो काबिलियत हमें नजर आ रही है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एंटरप्रेन्योर इज दैट जो एंटरप्रेन्योर होता है ना उसको रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना उसको टेंशन नहीं है, उसको फ्रीडम है, मालूम है सैलरी तो मिलती रहेगी, है कि नहीं? सैलरी मिलती रहेगी, मैं अपना नया जो एक्सपेरिमेंट है वो भी करते रहूंगा, और हो सकता है अगर मुझे इसमें सफलता मिल जाए तो मेरा प्रमोशन हो जबरदस्त हो जाए। जी हां दोस्तों, सो द मेन डिफरेंस हियर इज
लेटर यानी एंटरप्रेन्योर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क व्हाइल एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट, क्योंकि आइडिया अगर चलता है तो जो कंपनी है वो पैसा लगाएगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगी और उसके नाम पे चलेगा सब कुछ. द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर एम्प्लॉइज आर एनकरेज्ड टू यूज देयर क्रिएटिव एबिलिटीज, यानी एम्प्लॉइज को ही एनकरेज किया जाता है क्रिएटिव एबिलिटीज के लिए. सच एन आइडिया और इनोवेटिव प्रोडक्ट में फेच ग्रेट profits for the organization. जैसे काइनेटिक इंडिया की बात करें, टाटा मोटर्स, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो इन सभी कंपनियों ने अपने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जिसमें लगातार नए नए इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई करो, ट्राई करो, कुछ नया निकालो हमारी फील्ड में और तेजी से सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसे प्लान्स और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज निकालो. तो इस प्रकार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद करता हूं मीनिंग आप समझ पाए होंगे. दोस्तों दो डेफिनेशन है छोटे छोटे, जहां गिफर्ट पिनहॉट इल कहते हैं दैट entrepreneurs are the dreamers. क्या है ये? Dreamers हैं who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within a business. यानी business में रहकर innovation करना, business में रहकर hands-on responsibility लेना नई चीजों को निकालने की, करने की, ये होता है entrepreneurs. इसके अलावा यहाँ पर Hirsch और Peters का एक definition है जो कहते हैं entrepreneurship is the entrepreneurship within an existing organization. तो entrepreneur एक प्रकार की entrepreneurship ही है, लेकिन वो एक organization में रहते हुए की जा रही है, ऐसा यहाँ पर Hirsch और Peters कहते हैं. तो उम्मीद करता हूँ दोनों ही definition आप समझ गए होंगे. आज के इस मुद्दे में बस इतना ही है. अब कुछ facts देख लेते हैं. दोस्तों यहाँ पर कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं entrepreneurship के. The idea of having a mobile charger in the bike came from one of the employee of Kinetic India. तो फिर ये innovative idea बढ़ावा दिया गया और Kinetic ने अपनी कई गाड़ियों के अंदर mobile charger वाला idea implement किया. Tata Sumo सबसे जबरदस्त उदाहरण है दोस्तों. One of the passenger vehicles of Tata Motors was named after Padma Bhushan Mr. Sumant Mulgaonkar. तो ये Sumant Mulgaonkar जो थे ना, इन्होंने अपनी creativity, innovation Tata Motors में रहते हुए बताई और जो Tata थे, हमारे जो owners थे टाटा के, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया उनका आइडिया और बहुत उन्हें सपोर्ट करते हुए जब वो फाइनली गाड़ी लॉन्च की तो टाटा सुमो जो है इन्हीं के नाम पर उन्होंने डेडिकेट किया एज अ ट्रिब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी. दोस्तों द लाइक बटन ऑन फेसबुक वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ फेसबुक. फेसबुक का ही एक एम्प्लॉय था जिसने लाइक बटन के बारे में कहा, उसने क्रिएटिवली सोचा कि लाइक बटन होना चाहिए. द कंपनी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू इट्स इंजीनियर्स एंड कोडर्स टू क्रिएट एंड डेवलप इनोवेटिव आइडियाज. सिमिलरली सोनी प्ले स्टेशन वॉज क्रिएटेड बाय अ जूनियर मेंबर ऑफ वन ऑफ द स्टाफ ऑफ सोनी कॉर्पोरेशन. तो आज प्ले स्टेशन के सभी दीवाने हैं, सभी प्ले स्टेशन को काफी पसंद करते हैं, ये सोनी कॉर्पोरेशन के एक जूनियर एम्प्लॉय ने ही सजेस्ट किया था. तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स के कई उदाहरण हमारे देश में दिखाई देते हैं और एक सक्सेसफुल क्रिएटिव आइडिया को अगर सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स आगे आ पाएंगे. उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा. अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा जितने भी 7 वीडियोस अभी तक हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बनाए हैं, ताकि पूरा चैप्टर आसानी से आप कवर कर पाए. ऐसे ही लगातार नए वीडियोज हम अलग अलग चैप्टर्स के आपके लिए लेकर आते रहेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से, जिसमें आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे. लेकिन याद रखिए, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, ताकि आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए और बोर्ड एग्जाम में हासिल कर पाए बहुत ही जबरदस्त मार्क्स. तो मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.